चीफ सिलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक पहुंचे मिक्स मार्शल आर्ट्स की तकरीब में। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद और दराज कद मोहम्मद इरफान भी इनके हमराह थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पर बहस से बचने के लिए चीफ सिलेक्टर ने गुफ्तगू का आगाज मिक्स मार्शल आर्ट्स की तकरीब के हवाले से किया। तहम सहाफियों की जानिब से सवालात के ताबड़तोड़ हमलों ने इन्हें टीम की कारकर्दगी से लातालुकी का मौका न दिया। चीफ सिलेक्टर ने वनडे कप्तान अजहर अली के हवाले से सवाल पर कहा कि सीरीज के दौरान कप्तान की तब्दीली का मशवरा किसी को नहीं दिया। देखिए, एक तो सीरीज के दौरान मैं किसी को मशवरा नहीं दे सकता। अजहर अली उस टाइम अभी मैचेस खेल रहा था, तो बिल्कुल बीच में मैं इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। सिलेक्शन कमेटी पर दबाव के सवाल पर इंजमामुल हक का कहना था कि वो बाय इख्तियार हैं और मैनेजमेंट जिस तरह की टीम चाहती है इस तरह से सिलेक्शन में दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं। तो वर्ल्ड कप आ रहा है कि मेरी कौन सी टीम तैयार हो सकती है उस वर्ल्ड कप में, तो मैं उसको जहन में रख के आगे की सिलेक्शन को देख रहा हूँ। मोहम्मद हफीज की सिलेक्शन के हवाले से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज बेहतरीन खिलाड़ी हैं, सिर्फ एक्शन की क्लियरेंस के बायस टीम से दूर रहे। अगर उसको जिस टाइम रोका हुआ था तो वो भी हमने रोका था कि उसके एक्शन के लिए, वरना पिछले साल के अगर आप पूरे मैचेस निकाल के देखे ना तो उसका टॉप परफॉर्मर था। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था कि टीम का इंतखाब अगले वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। कैमरामैन अली नुमान के साथ इरफान कुरैशी, लाहौर।